अगर ट्रैफिक ना हो तो फिर तो घूमा जा ही सकता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो फिर ट्रैफिक में तो फिर टाइम लगता ही है। वधिया लगा कि जिन्नी सोच के आई उन्नी कुछ ज्यादा ठंड नहीं हैगी, पंजाब वांगू सेम लगा। जन्नत कहते हैं सभी लगता है जन्नत जैसा। हां लगता है जन्नत जैसा। क्या बोलते हैं कि डर वाला माहौल हल्का हल्का लग रहा है, पहले बड़े मस्ती से आते थे, अभी थोड़ा सा लगता है कि पहले से डर वाला माहौल लगता है। लोग कैसे लगे यहाँ के? लोग तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हमारे तो फिर डर किस बात का? नहीं, लोगों से डर की बात नहीं है। कश्मीर लाइफ के इशारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अभी अगर कोई भी कश्मीर आता है तो कश्मीर के हर कोने में हमें कहीं ना कहीं पे टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीर की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे डल लेक कहा जाता है, वहाँ पे आइए। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ टूरिस्ट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका स्टे यहाँ पे कैसा रहा है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कश्मीर आके। I'm Shruti from Moga, Punjab. पंजाब से आए? Yes. आप? नीतू ग्रोवर, पंजाब से। What is your relation? Mother daughter relation. तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपके? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पंजाब की बात करें तो गर्मी तो बहुत होगी वहाँ पे, कश्मीर आने का एक रीजन वो भी है? हाँ जी, और इसको हेमन कहा जाता है तो इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे डल लेक वगैरह। ये आपका कौन सा विजिट है कश्मीर? फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट विजिट, तो कैसा लगा आप? बहुत बढ़िया। और फ्यूचर में आप आना पसंद करेंगे यहाँ? या श्योर। कौन कौन सी ऐसी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड रही है, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? सोनमर्ग एंड गुलमर्ग। सोनमर्ग। पंजाब की गर्मी की बात करें, यहाँ पे कितना फर्क है वहाँ से? यहाँ काफी फर्क है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ ऐसा मौसम है जैसा वहाँ सर्दी में होता है अभी इस टाइम। हमें तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ नहीं, गर्मी तो है पर हम वहाँ से आए हैं, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। अब जैसे धूप है, जैसे छाँव में तो ठीक लग रहा है, धूप में तो भी गर्मी है। हम वहाँ जा चुके हैं, मनाली, शिमला, मंसूरी, कश्मीर। अब कश्मीर है तो इन सारी इतनी सारी जगहों पे आप गई है, इतने हिल स्टेशन पे, सबसे बेहतर जगह आपको कौन सी लगी? सभी का अपना अपना है, कोई मतलब ये नहीं कोई खास है, सभी अच्छे हैं। हाँ, जैसे अपने अपने अकॉर्डिंग सब सभी जगह अच्छी है। वहाँ पे भी सेम रश था टूरिस्ट का? हाँ, वहाँ भी रश होता है। हाँ, मनाली तो बहुत ज्यादा रश होता है, नहीं सभी जगह रश है, ऐसा ही है। हमारे साथ एक सिख फैमिली जुड़ी है, अभी तो नाम मुझे नहीं पता, इन्हीं से पूछते और से जानते हैं कि इनका इस बार का कश्मीर विजिट कैसा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर, हाँ जी। आप पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। पहला विजिट है कश्मीर आपका? हाँ जी, हाँ जी, पहला विजिट। कैसा लग रहा है कश्मीर आपके? अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन गर्मी है। गर्मी है? हाँ, जैसी पंजाब में गर्मी है वैसी यहाँ पे भी गर्मी है, थोड़ा कम। बोटिंग की, खाना खाया, बस अब और आगे जाएंगे। कितने दिन का रहने का प्लान? 3-4 दिन। 3-4? अभी तो नाइट स्टे कितना होना है देखो, अगे कितने जाने। वधिया लगा कि जिन्नी सोच के आई उन्नी कुछ ज्यादा ठंड नहीं हैगी, पंजाब वांगू सेम लगा। ये पंजाब के लोग भी बढ़िया है, कश्मीर के बढ़िया, दोनों बढ़िया है। कश्मीर के लोग भी बढ़िया है, बढ़िया है। जैसे घूमने के लिए ज्यादा कुछ है, पंजाब से थोड़ा कम है। जन्नत कहते हैं सभी। लगता है जन्नत जैसा। हाँ, लगता है जन्नत जैसा। तकरीबन मैक्सिमम सभी देखे, मुगल गार्डन, निशाद बाग, शंकराचार्य, हनुमान मंदिर, लाल चौक मार्केट, काफी अच्छी हुई है, लुक अच्छी है उसकी। हाँ, जहाँ पे लगभग मैं आया था दो दिन के लिए।
अब मेरा प्लान तो लगभग एक वीक का हो गया है इधर आने के लिए। ये प्लान एक वीक का क्यों हो गया? ऐसे ही क्योंकि बाहर काफी गर्मी है तो इधर मौसम थोड़ा अच्छा है इधर, इसलिए ऑलमोस्ट पहला ही समझ लो क्योंकि बहुत पहले आया था, 10-15-20 साल पहले। तब का कश्मीर और अभी के कश्मीर में अगर आपको फर्क है, पहले बहुत इससे भी और अच्छा लगता था, अभी का थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लग रहा है कि पहले से थोड़ा माहौल क्या बोलते हैं कि डर वाला माहौल हल्का हल्का लग रहा है। पहले बड़े मस्ती से आते थे, अभी थोड़ा सा लगता है कि पहले से डर वाला माहौल लगता है। लोग कैसे लगे यहाँ के? लोग तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हमारे तो फिर डर किस बात का? नहीं, लोगों से डर की बात नहीं है, वैसे जैसे क्रिएट किया हुआ है ना वैसे डर की बात नहीं है, जैसे लोग माहौल को क्रिएट किया जाता है तो वो क्रिएट किया हुआ है, बाकी वैसे डर नहीं है, लोग तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है कि डल गेट में एक बहुत फेमस चीज है, सुबह सवेरे यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट लगता है। सुबह वहाँ पे क्या होता है, सुबह लोग जमा होते हैं वहाँ पे और सब्जी वाले आते हैं, नाव में सब्जी बेचते हैं। आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, उसको देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सब्जी तो वैसे भी शौकीन है, हम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, और हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं वैसे, और सब्जी हम खरीदेंगे भी यहाँ पे। वेजिटेरियन हो आप? कश्मीर में तो ऑलमोस्ट सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको जो यहाँ पे आप होटल में जाते हैं या ढाबे वगैरह या रेस्टोरेंट से वहाँ पे आप खाना खाते हैं, डिफरेंस लगती है पंजाब के खाने में और यहाँ के खाने में? नहीं, वो अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो डिफरेंट लगेगा, जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो डिफरेंट क्या लगेगा। आप खुद बनाते हैं? खुद बनाता हूँ, बिल्कुल बनाता हूँ, बिल्कुल। अभी आज भी सुबह बनाया, मसूर की दाल बनाई, सबको सबको खिलाई। हमने आप तक पहुंचाया ये शुमारा, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे टूरिस्ट से बात की, उनका यही कहना है कि उन्हें कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा लेकिन गर्मी उन्हें पंजाब जैसी ही लगी या दिल्ली जैसी ही लगी। खैर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब मौसम का खेल है। अभी के लिए इतना ही, मैं मन फयाज कश्मीर लाइफ के।